अस्सलाम वालेकुम, मैथ्स एंड एंटीएस्ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 से लेकर 1.6 तक जो है वो कर चुके हैं, जो यूनिट नंबर 1 है रेशनल नंबर, क्लास 7 मैथमेटिक्स का। तो अगर उसका आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो उन वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैप्टर के बाकी, ये जो हमारे पास जो बुक है क्लास 7, इसके बाकी चैप्टर्स का आपको YouTube पर बरवक्त नोटिफिकेशन आए। इनमें आपका ये फ़ायदा है, और इसका ये फ़ायदा होगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको YouTube पर नोटिफिकेशन आएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। द नंबर ए डिवाइडेड बाई बी वेयर ए कामा बी आर इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर इफ बी इज डैश। तो दोस्तों, रेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है? बेसिकली रेशनल नंबर्स यानी ए डिवाइडेड बाई बी जो फ्रैक्शन है, ये नंबर हमारे पास आता है इंटीजर्स के डिवीजन से या उसके क्वोशेंट से, यानी जब उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर कोई नंबर होता है 6, ये भी इंटीजर है, 2, 2 3s are 6, तो यहाँ पर 0। तो अगर 3 भी आता है तो 3/1 भी हम कर सकते हैं, ये भी एक फ्रैक्शन है, या 2/3 है, तो ये भी दो इंटीजर्स यानी हमने डिवाइड किए हैं, ये इसका क्वोशेंट है। यानी हमारे पास रेशनल नंबर या तो क्वोशेंट होता है दो इंटीजर्स का, या उनका फ्रैक्शन होता है दो इंटीजर्स का। लेकिन साथ एक कंडीशन होती है कि ए डिवाइडेड बाय बी वेयर बी नॉट इक्वल टू 0, कि इस नंबर यानी 2/3 जो है, ये 3 0 नहीं हो सकता, यानी डिनोमिनेटर 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा कोई नंबर नहीं है कि उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करके आप उसका प्रोडक्ट आपके पास 2 आ जाए, इन्फिनिटी यानी अनडिफाइन आ जाएगा उस सूरत में वो चीज़। तो इसलिए डिनोमिनेटर मस्ट बी यानी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर डिनोमिनेटर में बी की जगह 0 नहीं आ सकता, तो नॉट 0, ये ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो बी है, अ रेशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डैश, ज्योमेट्री, फ्रैक्शन, एलसीएम, सर्कल। तो दोस्तों, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि रेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है। बेसिकली इंटीजर्स का क्या होता है, उसका हमारे पास फ्रैक्शन होता है, यानी जिस तरह 2 और 3, ये फ्रैक्शन है, तो ये इंटीजर्स का हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शन। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। बाकी जो अगला क्वेश्चन है, द न्यूट्रल इंटीजर इज, हमारे पास न्यूट्रल इंटीजर्स क्या है? 0 से राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और 0 से लेफ्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी 1, -1, 0 और 5। तो ये जो 0 है, ये न पॉजिटिव है और न नेगेटिव है, तो इस सूरत में हम इसको कहते हैं न्यूट्रल इंटीजर्स, यानी 0 जो है इसमें करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसमें जो डी पार्ट है, रेशनल नंबर विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड डैश रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल, प्रॉपर, लाइक और अनलाइक। तो दोस्तों, जहां तक बात होती है डिनोमिनेटर की, यानी किसी भी कोई भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, यानी 1/3 और 2/3, जब किसी भी दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाए, अगर वो एक ना हो तो तब भी हम उसको बाज़ दफ़ा एक करते होते हैं, यानी मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर वो एक जैसे हैं तो उसको लाइक यानी फ्रैक्शंस कहते हैं, अगर वो डिफरेंट है यानी नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट है, तो उसको अनलाइक फिर आप कह सकते हैं। तो द रेशनल नंबर, एक ऐसा रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर जाहिर बात है फ्रैक्शन की सूरत में होगा, विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड, अगर उसका डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाए तो उसको हम कहते हैं लाइक रेशनल नंबर्स, या लाइक फ्रैक्शंस, लाइक रेशनल नंबर्स। तो ऑप्शन सी जो है लाइक, ये हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ के बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, ठीक है, इसको हम अगले उसमें करेंगे, एक इस पर स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे राउंड ऑफ पर, कि जब आपके पास ऑड हो, इवन हो, 5 हो, 5 से लेस हो, ये जितने भी रूल्स इसमें बास थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रूल भी हैं, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो राउंड ऑफ 54.231 टू द नियरेस्ट होल नंबर इज़,
नियरेस्ट होल का मतलब है ये 54 हमारे पास होल नंबर है, इंटेग्रल पार्ट, और ये इसके बाद ये डेसिमल पार्ट आ जाता है। ये फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल पार्ट्स भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू यानी 2/10 है, यानी 2/10, और ये 100/10, और इस तरह 3/100, और इसको 1/1000, यानी ये फ्रिक्शंस हैं, इसके हिस्से हैं। फ्रिक्शंस जो हैं बेसिकली पार्ट्स हैं, नॉट होल नंबर, बल्कि ये हमारे पास पार्ट्स हैं। तो अगर इसको आप देखते हैं, यहाँ पर अगर ये हिंसा 5 होता, ठीक है, ये जो हिंसा है 5 से लेस है, तो फिर ऐसे ही इसको स्किप करें, या 5 से अगर लेस है वैसे स्किप करें, अगर 5 है या 5 से ग्रेटर है तो एक नंबर इसमें आप कर लें, प्लस कर लें, 1 इसमें प्लस कर लें। तो लिहाजा ये तो 1 है, तो इसको हम वैसे ही स्किप करेंगे, इस नंबर को भी हम वैसे ही स्किप कर सकते हैं, 2 को भी वैसे ही स्किप करेंगे, तो ये हमारे पास रहेगा 54 ही रहेगा। तो यही हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये तो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उस तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं हैं, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ये इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। बाकी इसके बाद हम अगले यूनिट की तरफ, यूनिट 2 लॉज ऑफ ऑपरेशंस की तरफ जाएंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगी है, थोड़ी बहुत हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।